हाउ टू इंक्रीज व्यूज ऑन यूट्यूब वीडियोस। सो गाइस, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आप अपने यूट्यूब वीडियो के अंदर अच्छे खासे व्यूज किस तरह से लाएंगे। देखिए दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको जो ट्रिक्स बताने वाला हूँ, अगर आप इस ट्रिक्स को फॉलो करेंगे तो 101% जो है मैं गारंटी लेता हूँ कि आपके वीडियो के अंदर व्यूज आने वाला है। जो ट्रिक्स मैं अभी आपको बताने वाला हूँ ना, तो इस ट्रिक्स को आज तक पूरे यूट्यूब पर किसी ने नहीं बताया है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको यकीन नहीं आता है ना, आप इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए और जो ट्रिक्स मैं अभी आपको बताया है आप उस ट्रिक्स को देख लीजिए, आपको फौरन पता चल जाएगा कि हाँ, इस ट्रिक्स को टेक्निकल मुनीर से पहले जो है किसी ने यूट्यूब पर बताया है या नहीं बताया है। और जो जो ट्रिक्स मैं आपको बताता हूँ ना, सब्सक्राइबर से बढ़ाने का, व्यूज बढ़ाने का, तो ये सब ट्रिक्स जो है ना आपको दूसरे चैनल के अंदर इस तरह से नहीं मिलने वाला है। और अगर आप मेरा पुराना सब्सक्राइबर से है तो आपको पता ही होगा मैं आपको क्यों बता रहा हूँ। तो दोस्त, अगर आप अपने वीडियो के अंदर अच्छे खासे व्यूज लाने के लिए चाह रहे हैं तो आप इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप इस चैनल में पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले, इसलिए कि आपको इस चैनल के अंदर YouTube से रिलेटेड जानकारियां मिलती रहती है। और देखिए दोस्तों, मैं रोजाना एक चैनल को प्रमोट करता हूं, मैं रोजाना सुबह 9 बजे वीडियो अपलोड करता हूं, और जो भी भाई मेरे वीडियो में 9 बजे से लेकर 9:30 के बीच बीच में कमेंट करते हैं, तो मैं 9:30 रैंडम कमेंट पिकर में उसके किसी एक बंदे को विनर चुनता हूँ, और जो भी बंदा विनर चुना जाता है तो मैं उनके चैनल को प्रमोट करता हूँ। तो दोस्त, अगर आप भी अपने चैनल को मेरे से प्रमोट करवाना चाहते हैं तो आप भी सुबह 9 बजे मेरे वीडियो में कमेंट कीजिए, ताकि मैं आपके चैनल को भी प्रमोट कर पाऊँ। तो चलिए दोस्त, आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइस, अपने यूट्यूब वीडियो में व्यूज लाने के लिए आपको क्या करना है कि आपको देखना है कि 5-6 दिन पहले आपने कौन सी वीडियो डाला था और कौन सा वीडियो जो है आपका ज़्यादा चला है। यानी आपको ये देखना है कि 5-6-7-8-10 दिन के अंदर अंदर में आपने जितने भी वीडियो अपलोड किए हैं तो उन्हीं में से सबसे ज़्यादा वीडियो कौन सा चला है। ओके, तो आपको क्या करना है कि जो सा वीडियो ज़्यादा चला है ना, उसी टॉपिक पर फिर से आपको एक वीडियो बना लेना है। दोस्तों, ये बात जो है ना यूट्यूब पर आपको किसी ने नहीं कहा होगा, पहली बार मैं आपको बोल रहा हूँ कि फिर से उसी टॉपिक पर आपको एक वीडियो बना लेना है जो वीडियो आपका ज़्यादा चला है। अब देखिए, यहाँ पे आपको एक बात ख्याल रखना है कि पहले जो आपने वीडियो बनाया था जो ज़्यादा चला है, तो जो बातें आपने उस वीडियो में बताया है ना, तो थोड़ा सा हट के इस वीडियो में आपको बोलना है जो वीडियो आप बनाने वाले हैं, ताकि आपके सब्सक्राइबर्स को पहले वीडियो में जो नॉलेज मिला था वही नॉलेज इस वीडियो के अंदर मिले, लेकिन कुछ अलग तरीके से नॉलेज और जो है ज़्यादा नॉलेज इस वीडियो के अंदर मिले। आपको सेम उसी तरह से एक वीडियो फिर से बना लेना है। ओके, यहाँ तक समझ लिए। अब आपको क्या करना है, ये काम करने के बाद में आप अपने मोबाइल के अंदर YT स्टूडियो ऐप को ओपन कर लेंगे। जैसा कि यहाँ पे देखिए, मैंने आपके सामने में YT स्टूडियो ऐप को ओपन कर लिया है। अब दोस्त, यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले आप अपनी वीडियो को अपलोड कर लीजिए। ओके, अपलोड करने के बाद में आपको क्या करना है, वीडियो तो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा, फिर व्यू मोर पे आप क्लिक करेंगे। जी हाँ दोस्त, जिस तरह से मैं आपको बता रहा हूँ ना, सेम इसी तरह से आपको करना है, उसके बाद में ही जो है आपके वीडियो के अंदर व्यूज आने वाला है, वरना नहीं आने वाला है। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे देखिए, तो आपको क्या करना है कि 5-6 दिन के अंदर अंदर में जिस वीडियो में ज़्यादा व्यूज आया है तो आपने उसी टॉपिक पर एक वीडियो बनाया है ना, तो आपको क्या करना है कि जिस वीडियो के अंदर ज़्यादा व्यूज़ आया हुआ है तो उस वीडियो के अंदर आ जाना है। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे देखिए, मैंने एक वीडियो बनाया था यहाँ पे, रोज़ाना मिलेगा एक्टिव 1000 सब्सक्राइब। तो देखिए दोस्तों, ये वीडियो जो है मेरा अच्छा खासा चल गया है, 327 व्यूज़ है, और जो है बाकी ये सब वीडियो में 327 व्यूज़ नहीं है। तो मैंने क्या किया कि मैंने देखा कि ये वाला वीडियो जो है मेरा अच्छा खासा चल गया है कि रोज़ाना मिलेगा एक्टिव 1000 सब्सक्राइब, तो मैंने ये वीडियो बनाया था, सब्सक्राइब कैसे बढ़ाए, तो इस वीडियो के अंदर मुझे अच्छा खासा व्यूज़ मिला। तो आज मैंने फिर से क्या किया कि यहाँ पे देखिए, फिर से मैं यहाँ पे एक वीडियो बना दिया कि सब्सक्राइब कैसे बढ़ाए, यहाँ पे देखिए 3 दिन में 1000 सब्सक्राइब। तो जैसे मैंने इस वीडियो को अपलोड किया है तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इस वीडियो में 9 घंटे में 231 व्यूज़ आ गया है, और बाकी वीडियो में आप देख सकते हैं कि
उतना व्यूज किसी वीडियो में नहीं है। तो इस वीडियो के अंदर मैंने ऐसा क्या काम किया था जिसकी वजह से इतना ज्यादा जो है व्यूज इतना जल्दी आ गया। तो मैंने क्या किया था कि यहाँ पे मैं आया, सबसे पहले ये जो वीडियो मैंने बनाया था तो मैंने क्या किया, इस वीडियो पे क्लिक कर दिया इस तरह से, ठीक है। तो क्लिक करने के बाद में मैं यहाँ पे आया पेंसिल वाले ऑप्शन पे। इस पे आने के बाद में दोस्तों मैंने क्या किया कि इसके डिस्क्रिप्शन में आ गया, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में आने के बाद में दोस्तों मैंने क्या किया कि मैंने देखा कि इस वीडियो के अंदर मैंने क्या क्या डिस्क्रिप्शन लिखा है ना, यहाँ पे देख सकते हैं आप। तो मैंने क्या किया कि ऊपर का जो डिस्क्रिप्शन आपको दिख रहा है ना ये सब, तो मैंने जो है उस वीडियो में अलग से लिखा था। फिर मैं इस वीडियो में आया और यहाँ पे देखिए मैंने क्या किया कि यहाँ से देखिए रिलेटेड सर्च जो मैंने लिखा है, तो यहाँ से मैंने पूरे को कॉपी कर लिया इस तरह से, देखिए इस तरह से मैंने पूरे कॉपी कर लिया। ओके, कॉपी करने के बाद में यहाँ से दोस्त मैं फिर बैक आ गया, और आने के बाद में मैंने क्या किया कि जो वीडियो मैंने आज अपलोड किया था तो इस वीडियो को मैंने इस तरह से क्लिक किया, फिर पेंसिल वाले ऑप्शन पे मैंने क्लिक किया, फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आ गया। यहाँ पे देखिए डिस्क्रिप्शन में आने के बाद में दोस्त उसी चीज़ को यहाँ पे देखिए मैंने नीचे में कॉपी कर दिया है। सेम यहाँ पे नीचे में आप देखेंगे कि वही चीज़ है जो पहले वाले वीडियो में मैंने लिखा था। ये काम करने के बाद में मैंने सेव कर लिया था, ठीक है। अब मैं आपको दूसरा ट्रिक से बताने वाला हूँ कि मैंने दूसरा ट्रिक से कौन सा फॉलो किया था जिसकी वजह से इस वीडियो के अंदर अच्छा खासा जो है मुझे 9 घंटे के अंदर व्यूज़ आ गया। फिर से मैं उसी वीडियो के अंदर आया, यहाँ पे देखिए उस वीडियो को मैंने क्लिक किया, फिर यहाँ पे मैंने पेंसिल वाले ऑप्शन पे क्लिक किया, और जो है इसी वीडियो के टैग्स के अंदर मैं आ गया। यहाँ पे देखिए, अब देखिए मैंने क्या किया कि इस वीडियो के टैग्स में जो जो चीज़ मैंने लिखा है तो ये सारे टैग्स जो है ना मैं उस वीडियो के अंदर डाल दिया था जो वीडियो मैंने आज अपलोड किया था। इससे मुझे फायदा ये हुआ कि ये सब टैग्स और डिस्क्रिप्शन मैंने उस वीडियो के अंदर डाला था पहले में, तो वो सब टैग्स मेरा रैंक कर रहा था और वो वीडियो जो है मेरा सर्च में ज्यादा आ रहा था, जिसकी वजह से उस वीडियो के अंदर व्यू ज्यादा आ रहा था। तो मैंने फिर से उसी टॉपिक पर एक वीडियो बनाया और वही सब डिस्क्रिप्शन टैग्स जो है मैंने इस वीडियो के अंदर डाल दिया है, जिसकी वजह से देख सकते हैं कि आप सिर्फ 9 घंटे में 231 व्यूज आ गया है, और बाकी वीडियो में आप देख सकते हैं कि उतना व्यूज नहीं है। दोस्त जो ट्रिक्स मैंने अभी आपको बताया है, अगर आप इस ट्रिक्स को फॉलो करेंगे तो आपके वीडियो के अंदर जो है 100% व्यूज आ जाएगा। और इससे पहले आपको किसी ने ये ट्रिक्स बताया था या नहीं बताया था, आप प्यारी सी कमेंट करके मुझे जरूर बता देना। तो चलिए दोस्त, बस आज के लिए इतना ही है, अब हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में।